हेलो डियर, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्मार्ट पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एमएस ऑफिस का एक अमेजिंग ट्रिक का बताने वाला हूँ, सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होता है। कभी कभी होता है कि हम लोग एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट पे घंटों देर तक काम करते हैं और उस फाइल को सेव करना भूल जाते हैं और उसे हम गलती से क्लोज कर देते हैं बिना सेव किए हुए, या फिर अचानक से बिजली चली जाती है, या फिर किसी भी कारण से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है और बिना सेव किए हुए हम उस फाइल को क्लोज हो जाता है और उस फाइल को हम रिकवर नहीं कर पाते, जिसका मुझे मलाल होता है या आप लोगों को भी मलाल होता होगा। तो ऐसे ट्रिक के को हम आज इस वीडियो में बताने वाले कि कैसे किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं बिना सेव किए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक फाइल है मेरे पास एक्सेल का, इसको मैंने सेव नहीं किया है और अब इसको मैं इसे यहाँ से डोंट सेव कर देता हूँ, यहाँ पर क्लोज करता हूँ तो जैसे डोंट सेव का ऑप्शन आता है तो मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ, मतलब कि मैंने इसको सेव नहीं किया और इसको क्लोज कर दिया। मैं वापस से रिकवर करना चाहता हूँ तो कैसे रिकवर कर सकते हैं इस ट्रिक को, मैं जो भी ट्रिक बताता हूँ उसे आप यूज करके देखिए। मेरे द्वारा बताएगा हर एक ट्रिक आपको 100% काम करने की गारंटी है। तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उसे रिकवर करने के लिए। रिकवर करने के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, आपको एमएस एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एमएस एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिए और आपको जाना पड़ेगा फाइल टैब में। फाइल टैब में जाने के बाद आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन, आपको फाइल टैब में अलग अलग वर्जन होता है एमएस ऑफिस का, 2007, 2013, 2019, 2016। तो मैं अभी 2013 यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आता है। फाइल टैब में ही ऑप्शन आएगा आपके पास, कुछ डिफरेंट ऑप्शन रहेगा लेकिन फाइल टैब में नेम चेंज हो सकता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो सकता है। मुझे फाइल टैब से इन्फॉर्मेशन वाला टैब में, इन्फो वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको मुझे मिल रहा है यहाँ पे मैनेज वर्जन, आपको मैनेज डॉक्यूमेंट भी मिल सकता है मैनेज। तो आप यहाँ पे मैनेज वाले, मैनेज के साथ जो होगा उस पर जाएंगे आप, देखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने मेरे पास जितना भी अनसेव्ड फाइल है यहाँ पे सामने आ गया, उसे मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और इसे यहाँ से ओपन पे सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे देखिए सेम डॉक्यूमेंट्स आ गया जो मैंने अभी इसको सेव नहीं किया। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने इसे पहले से सेव करके रखा है फिर से दिखा दिए, तो आप इसका भी वहम आपको मैं दूर कर देता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है मेरे पास कि ये मैंने सेव ही नहीं किया और इसे वापस मैं इसे रिकवर कर लेता हूँ। मतलब मैं आपको बता दूँ कि सेव करने के लिए आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप दूसरे नाम से फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं या सेम नाम से अभी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं सेम नाम से ही चेंज करके दिखा देता हूं आपको, आप नाम चेंज भी करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हैं और यहां से इसे सेव कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है और इसे आप बाद में ओपन भी कर सकते हैं, आप जब चाहे आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो आप इसे ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे बुक वन के नाम से फाइल था सेव किए थे मैंने, ये देखिए ओपन हो गया वापस। अब ये काम कैसे करता है हमारे पास और आपके पास भी कैसे काम करेगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। सेटिंग क्या करना पड़ेगा आपको, आप अगर ये वर्ड में रिकवर करना चाहते हैं या एक्सेल में रिकवर करना चाहते हैं या पावर पॉइंट में रिकवर करना चाहते हैं, जहां भी रिकवर करना चाहते हैं उस फाइल को, उस प्रोग्राम को ओपन कर लें और ओपन करने के बाद आप फाइल टैब में जाएं और सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको सेव वाला टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे जो रिकवर का टाइम होगा वो आपके पास 10 मिनट होगा या 15 मिनट भी हो सकता है, तो आप यहाँ से उसे एक मिनट कर दें, यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। मैंने इसे एक मिनट करके रखा है, ओके करके रखा है। इससे क्या होता है, जब भी मैं एमएस वर्ड या एक्सेल में काम करता हूँ और एक मिनट तक मैं काम कर लेता हूँ, जब एक मिनट के बाद से किसी भी गलती से मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा, उस फाइल को हम बाद में भी रिकवर कर पाएंगे, लेकिन एक मिनट के बाद, क्योंकि मैंने टाइम एक मिनट ही सेट करके रखा, वो मिनिमम टाइम एक मिनट ही सेट कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड का भी फाइल रिकवर कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ भी पहले ही इसे ओपन करके रखा लेकिन मैंने इसे सेव नहीं किया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, देखिए सेव करने के पूरा लेकिन मैं डोंट सेव कर देता हूँ। या आप लोगों से, हम लोगों से कभी कभी गलती से डोंट सेव हो जाता है तो मैं उसे रिकवर करने में कभी कभी परेशानी हो सकता है, फिर से टाइप करना पड़ता है लिखना पड़ता है जिसमें हमें काफ़ी मलाल होता है। तो रिकवर कैसे करेंगे वर्ड को देखते हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया था, वर्ड को ओपन करेंगे क्योंकि ये वर्ड का फाइल है, तो मैं वर्ड को, एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ और यहाँ से इन्फॉर्मेशन, इन्फो वाला टैब में मैनेज से यहाँ से अनसेव्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो
जितना भी अनसेव था अभी एक ही है, तो एक ही ऑप्शन अगर आपके पास बहुत सारा आएगा तो सब आ जाएगा, फिर यहाँ से ओपन कर लें और आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ से सिंपली आप सेव एज पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं जिस भी नाम से सेव करना चाहे। तो इसमें इस बार सेव कर लेता हूँ आईटी, इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ आईटी स्मार्ट के नाम से, और ये फाइल सेव हो गया। देखिए आईटी स्मार्ट के नाम से सेव हो गया। अब इसे वापस मैं ओपन करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये मैंने इसे आईटी स्मार्ट के नाम से सेव करके रखा है वर्ड में। तो ये वर्ड आईटी स्मार्ट के नाम से मैंने सेव कर लिया था और ये फाइल ओपन हो जाएगा और मैं उसी तरह से इसे वापस एक्सेस कर पाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा समय को अपने बचत कर पाऊंगा, बचा पाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको और भी इस तरह का ट्रिक चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन भी बजा लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और हमारे वीडियो को देख पाए। वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अगला अलग वर्जन में तो आप इसे कॉमेंट करके बताएं, मैं आपको हेल्प करूँगा किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम आती है इस प्रकार को रिकवर करने में। धन्यवाद।